इसी महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में लोगों से अपील की थी कि वह इंडिया की जगह पर भारत का नाम इस्तेमाल करें। G20 शिखर सम्मेलन से पहले देश के नाम और पहचान को लेकर नया विवाद सामने आ खड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चुपके से देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज के लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। भारत और इंडिया के पीछे की क्या कहानी है, आप लोगों को सारी डिटेल दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। राजनीतिक गलियारों में चर्चा और अकलों का बाजार गर्म हो गया है। इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि इसी महीने बुलाए गए पंच दिवसीय संसद सत्र में क्या देश का नाम बदलने का प्रस्ताव संसद में पारित कराया जाएगा। इसके साथ ही इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी सरकार ने ऐसा किसके कहने पर, किसके सुझाव किया है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने जैन समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है, भाषा कोई भी हो, हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, तभी बदलाव आएगा। इंडिया नाम को हटाकर भारत हर जगह करने की आजकल बातें चल रही है, क्या आप लोगों को लग रहा है ऐसा संभव है? हमें जरूर कमेंट करके हम तक अपनी राय पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना।